भगवान श्री कृष्ण के विचार। अगर आपका भी मन अशांत है तो श्री कृष्ण की यह बातें आपके लिए हैं, एक बार जरूर सुने। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का शनै शनै शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। जिसे तुम अपना समझ कर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए, जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं, जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है।
जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते।